बोल रही हूँ। पहली फिल्म जब मैंने की अभय जी के साथ बंधन टूटे ना 2004 में, अभय जी उसी वक्त से लेकर अब तक अभय जी की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है। अभय जी ने हमेशा बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, बेहतरीन और बड़े से बड़े कलाकारों को आपने लाए हैं, हिंदी से बॉलीवुड से लाए हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी तब अक्सर आई थिंक मनोज जी हम बात करते थे कि हमारी फिल्में टीवी पर कब आएंगी, हमारा चैनल कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब हम रिमोट दबाएंगे तो हमारी फिल्में नजर आएंगी। वो भी एक टाइम आया और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म अचानक से एक पॉपुलर हो गया ऑडियंस में, और तभी से मुझे इंतजार था कि कब भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म आएगा। क्योंकि मैं कई सारे वेब सीरीज कर रही हूँ हिंदी प्लेटफॉर्म पे, पर अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली भोजपुरी वेब सीरीज करने जा रही हूँ। सो और हमारे पहला OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के जरिए, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ रवि किशन जी हैं इसमें, क्योंकि रवि जी के साथ हमेशा मेरी फिल्में सुपरहिट रही और रवि जी मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली उसमें बाद में आती हूँ। पर्सनली मुझे अगर कोई जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तो मेरी और रवि जी की जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में। और मनोज जी मेरे लिए सिर्फ को एक्टर नहीं है, तो मैं उनको को एक्टर की तरह नहीं ले सकती हूँ, मेरे गार्जियन है मुझे। मैं अब बताना चाहूंगी कि जब पहली बार जो जीवन में जो मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था वो मनोज जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। नोकिया फोन था, और चूंकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, तो मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज की हैं, तो मुझे कॉल भी लिखना नहीं आता था। मनोज जी ने मुझे बिठाकर सिखाया था कि जब भी बात करनी होगी किसी से तो ये लिख कर भेजना और तुम्हें कॉल आएगा। सो मनोज जी मेरे गार्जियन है, वो मेरे को एक्टर नहीं है, और हमेशा से मैं उनकी इज्जत करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी।